बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य का बयान, यूपी निकाय चुनाव में महिलाओं को बढ़ चढ़कर मिलेगी हिस्सेदारी। सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए शादी अनुदान बंद कर शुरू की सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह के जरिए गरीब कन्याओं के खातों में पहुंचेगी अनुदान की राशि। जिला मुख्यालय उरई में मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी गीता शाक्य। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य का बयान, यूपी निकाय चुनाव में महिलाओं को बढ़ चढ़कर मिलेगी हिस्सेदारी। सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए शादी अनुदान बंद कर शुरू की सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह के जरिए गरीब कन्याओं के खातों में पहुंचेगी अनुदान की राशि। जिला मुख्यालय उरई में मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी गीता शाक्य। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता के 20 वर्ष पूर्ण हुए, और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक देश में इस तरीके से विकसित राज्य के रूप में उन्होंने पेश किया, वो केवल देश ही नहीं दुनिया में भी गुजरात का नाम लिया जाता है। और उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, उस तरीके के काम किए। तो आज उन्हीं के संदर्भ में जालौन में कार्यक्रम था मोदी एट द रेट 20, जिसमें हम लोगों का आना हुआ। आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और आगामी नगर पालिका चुनाव है, पंचायत चुनाव है, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता कि ये पूछना गलत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिलाओं को वरीयता दी गई है। हमेशा महिलाओं ने अगर जो जिस योग्यता रखती हैं जिस पद के लिए, तो उनको आगे बढ़ाया गया है। और आपने देखा होगा कि अभी पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा हुआ, महिलाएं बढ़ चढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई, और जो जीतने लायक हमारी प्रदेश की पदाधिकारी होगी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उनको। सरकार आदि आबादी की उत्थान की बात कर रही है, वही तो दूसरी तरफ योजनाओं को बंद किया जा रहा है। हाल ही में शादी अनुदान योजना बंद कर दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय योगी जी की सरकार ने हमेशा वो काम किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। हाल ही में योजना बंद करने का उनका उद्देश्य ये नहीं कि किसी को लाभ ना पहुंचाया जाए। उन्होंने देखा कि सामूहिक विवाह योजना के तहत ऐसे माँ बाप की बेटियां जो अच्छी बेटियां थी, अच्छे परिवारों में शादी नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सामूहिक विवाह योजना बना के वो काम किया, लाभ पहुंचाया और अच्छे परिवार में बेटियां पहुंची हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार हर संभव हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। अपडेट मीडिया के लिए गगनदीप सैनी, ब्यूरो चीफ, जालौन से।